हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग विटनेस। मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में वादा करी थी ना, मैं वर्कआउट करके दिखाऊंगी। आज वही दिन आ गया, मैं वर्कआउट करके दिखाऊंगी, मेरा वादा पूरा कर रही हूँ। चलिए अब हम फर्स्ट वर्कआउट करते हैं चेस्ट। ओके चलिए, हम कर रहे हैं बेंच प्रेस। अपन फर्स्ट मैं करके दिखा रही हूँ, वेट्स ऐड नहीं कर रही हूँ। अपने के रिक्वायर्ड के हिसाब से अपन वेट्स ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए इस तरह फोल्ड करके रख सकते हैं हम स्टैंड पे, ठीक है, सेफली। अब आप लोग देख लिए चेस्ट प्रेस, अब हम लोग करेंगे डिक्लाइन। ओके, ये हमारा बेंच है, ये एडजस्टेबल है, इसको डिक्लाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह डिक्लाइन बना लेंगे, इसको भी एडजस्ट करेंगे हम। ओके, और ये सेफ रैक को भी एडजस्ट करेंगे। चलिए अब इसको जो है हम थोड़ा नीचे लगा लेंगे, इसको इस तरह निकाल के 100 पे लगा देंगे, नहीं 90 पे लगा देंगे। हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इधर एडजस्ट करेंगे, अब वहां पर 90 पे करे थे, अब यहाँ पर भी हम 90 पे करेंगे। इस तरह ओपन करके करना है। चलिए अपना ये हो गया, ये सेफ गार्ड्स को भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम, इस तरह निकालेंगे। इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने रैक के हिसाब से, अब उधर भी एडजस्ट कर लेंगे हम। चलिए हमारा एडजस्टिंग हो गए, अब मैं करके दिखा दूंगी। ये है डिक्लाइन प्रेसेस। अपने रिक्वायर के हिसाब से अपन प्लेट्स ऐड कर सकते हैं गाइस। ओके, इस तरह हेलो, इस तरह हम रख सकते हैं। ये डिक्लाइन है ना गाइस, अब हम लोग डिक्लाइन कर रहे थे, अभी इंक्लाइन करेंगे हम। ओके, इस तरह ये सीट एडजस्ट करेंगे। चलिए अब सीट पे बैठेंगे हम। चलिए अब हैंड्स बराबर रखेंगे, इस तरह लिफ्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वाओ अमेजिंग, बहुत ही इजी है। देखिए गाइस, थोड़ा बहुत वेट तो ऐड कर सकती हूँ मैं और भी, बट आप लोगों को दिखा रही हूँ, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी है ये इसका वर्कआउट के बारे में। बाकी का वर्कआउट भी दिखाना है ना, ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से बेंच हटा दिए हम लोग, हम करेंगे स्क्वाट्स। उसके लिए हम सेफ गार्ड को रेडी कर लिए, एडजस्ट कर लिए। ओके, वन टू थ्री फोर। कभी अपना वेट ज्यादा हो गया, अभी वेट तो नहीं डाली, कभी अपना वेट ज्यादा हो गया, अगर सनी बैलेंस होकर इस तरह शेक हो गया, तो अपन ऐसा स्क्वाट करे जब इस तरह छोड़ दे सकते, इस तरह अपन फ्री हो सकते। ओके गाइस, अपने लिए सेफ भी है। अब हम करेंगे शोल्डर। ओके, फ्रंट एंड बैक करके दिखा दूंगी, और सीट तो एडजस्ट कर ली मैं, और ये सेफ गार्ड्स भी रख ली मैं। चलिए अब बैक करके दिखा दूंगी आप लोगों को, इस तरह लिफ्ट करना है। ओके, इस तरह इस तरह रख देना है। अब अपने को फ्रंट करना है, तो क्लोज पकड़ना है अपने को इस तरह। अब हम फ्रंट कर रहे हैं इस तरह। ओके, फिर अब आप डाउन एंड अप। ओके, इस तरह। ओके, अब तो हमारा शोल्डर भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट
अब हम करेंगे गाइस लैट्स करेंगे, ओके, या हम सीट एडजस्ट करेंगे। चलिए अब इस तरह अपन ग्रिप ले लेंगे, ओके, इस तरह। ये है गाइस बैक लैग्स, देख रहे हो ना, मैं वेट भी ऐड करी 5 kgs 5 kgs और लैग्स भी कर ली, और इस तरह मेरा बैक का वर्कआउट भी हो जा रहा है। अब गाइस हमारे को फ्रंट करना है, इसके लिए मेरे को टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको ज्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, इस तरह बस पीछे थ्रो करना है बेंच को। देखे गाइस अब मैं कर रही हूँ फ्रंट, ओके, दिख रहे हो ना, देख रहे हो ना, होम में भी जिम वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को। हम फ्रंट कर रहे हैं गाइस बैक फ्रंट, दिख रहे हो ना, घर में भी जिम वाली फीलिंग आ रही है ना, मुझे तो बहुत आ रही है यार, मैं तो जिम को बहुत मिस कर रही थी, अब तो जिम ही मेरे पास आ गया। गाइस अब हम करेंगे सीटेड ड्रॉइंग्स, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह एक टेबल चाहिए मुझे, मेरे पास है ऑलरेडी, घर पर रहते हैं अपने पास, ले लीजिए, ओके, एडजस्ट कर लेना है अपने लेग्स को, फिर इस तरह अपने वर्कआउट करना है, बैक स्ट्रेट रखना है, इस तरह वर्कआउट करना है हमें। हमारा सीटेड रोइंग्स भी हो रहे हैं, दिस इज अमेजिंग यार, बैक स्ट्रेट रखना है, कभी भी बैक बेंड नहीं करना है अपने सीटेड रोइंग्स करते वक्त। चलो चलिए गाइस अब हम करेंगे बैक का थर्ड एक्सरसाइज बेंड ओवर रोज। चलिए हमें सेफ गार्ड्स भी एडजस्ट करके रख ली, चलिए इस तरह पकड़ना है हमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरह बेंड होना है, इस तरह बैक स्ट्रेट रखना है, इस तरह बेंड ओवर रोज, देख रहे हो ना गाइस हमें कितने इजी, कभी अगर से अपने को वेट ज्यादा हो गया, अपने से नहीं हो रहा, तो इस तरह ओके गाइस। चलिए मैं अब आप लोगों को डेड लिफ्ट करके दिखा दूंगी, चलिए इस तरह अपने को पोजीशन सेट कर लेना है, ओके, इस तरह देख रहा ना गाइस, अब हमारा डेडलिफ्ट भी हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, है ना, अपने होम जिम में पूरा सारी वर्कआउट्स हो गए तो अब क्या चाहिए। चलिए मैं अब आप लोगों को हैमस्ट्रिंग्स के लिए वर्कआउट करके दिखा दूंगी, उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेफ गार्ड जो है रिमूव करना पड़ेगा, निकाल के साइड में रख देंगे, उसके बाद हम जो है हैमस्ट्रिंग्स कर, चलिए मैं तो अभी सेफ गार्ड्स निकाल कर रिमूव कर साइड में रख दी, अब हमें करना है हैमस्ट्रिंग्स, ओके, लेग्स का पोजीशन चेक कर लेना है, बस इस तरह फील करना है हमें, इस तरह नीचे जाना है, आप लोग तो मालूम ही है, बस बता दे, देख रहे हो ना गाइस पूरा स्ट्रेच हो रहा है हैमस्ट्रिंग्स में, पूरा इफेक्टेबल। चलिए गाइस ये है चिनअप्स मारने का, बट मैं चिनअप्स करना नहीं आता, मैं जिम में वेटेड चिनअप्स करती हूँ, बट एक मौका तो है मेरे पास, अभी सीख सकती आई थिंक, ट्राई तो करी एटलीस्ट, ओके, मैं सीख जाऊंगी इंशाल्लाह। चिनअप्स तो देख लिया आप लोग मैं कितनी माहिर हूँ, है ना, अब तो मैं करके दिखाऊंगी लोअर अप्स के लिए, ओके, लेग रेस इस तरह, इसमें तो मैं वाकई में माहिर हूँ, देख रहे ना गाइस, चलिए इससे हमारे को सिक्स पैक बनाने में इजी हो जाएगा, चलिए हमारा लोअर तब भी कम हो जाता। चलिए गाइस सीसी मशीन पे जिगजैग रैप से हम ट्राइसेप्स कर रहे हैं, देख रहे हो ना, चलिए अब तो हम तो ट्राइसेप्स तो कर लिए,
ट्राइसेप्स कर लिए बाद में बाइसेप्स को बिचारी को अकेले क्यों छोड़े, है ना, बाइसेप्स भी नाराज हो जाएंगे। चलिए इस मशीन में वो भी फैसिलिटी से हम में बाइसेप्स भी कर सकते हैं। आ जाइए मेरे साथ। देख रहे हो ना गाइस, हम बाइसेप्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम भी डोले शोले बनाएंगे इंशाल्लाह। इसमें गाइस और एक मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें बैक करके दिखाएंगे हमारी बेंड ओवर रोज रॉड से, अभी हमें इससे करके दिखाएंगे। ओके चलिए देख लीजिए आप लोग, इस तरह बेंड होना है, बैक स्ट्रेट रखना है। देख रहा हूँ गाइस, इस तरह बैक बेंड ओवर भी कर सकते हैं हमें। लेट्स गेट स्टार्ट कॉम्पैक्टिंग जिम। ओके यहाँ पर एडजस्ट करे हुए ऑलरेडी चेस्ट प्रेस का, तो हम फर्स्ट चेस्ट प्रेस ही करें। ओके चलिए हमें till I get up, time is barely on our side. Hey friends, अब हम chest press तो कर लिए, अभी flies करना है। इसके लिए ये lats जो दिख रहा है ना आप लोगों को, देख लीजिए ये दो lats निकालना है, यहाँ पर lock करना है, इस तरह यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह lock हो गया, ये भी निकालना है save के लिए। अब इस तरह adjust कर लेना है हमें। चलिए flies करेंगे इस तरह। ओके इस तरह हमें चेस्ट फ्लाइज भी हो जा रहा है, ये मशीन पे चेस्ट प्रेस हो गया, चेस्ट फ्लाइज हो रहा है। चलिए अब इस पे और एक ऑप्शन है लेग एक्सटेंशन। चलिए इस तरह बैठना है, इस तरह लॉक करना है अपने लेग्स को। ओके इस तरह, ओके इस तरह लेग एक्सटेंशन, वेट कम है इसलिए बहुत ही इजीली आ जा रहा है, अमेजिंग है गाइस। ये दो मिशनरीज भी अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। इस तरह लेग्स भी बन जाता है हमारा, हमारा फुल टोटल बॉडी वर्कआउट हो जा रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए गाइस हमें। चलिए फ्रेंड्स, इस मशीन में भी बैक के लिए ऑप्शंस है, फ्रंट एंड बैक भी है, मैं दिखा दूंगी फ्रंट एंड बैक कैसा आते हैं इसके। ओके इस तरह पकड़ना है हमें, इस तरह बैक देख रहे हो ना आप लोग, अपने को वो मिशनरी इस पे है, भी है और ये मिशनरी में भी है, ये बैक हो गया ना। अभी फ्रंट क्लोज ग्रिप में करना चाहते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं, देख रहे हो ना इस तरह। चलिए गाइस अब हम इससे साइड्स भी कर सकते हैं, किक बैक भी कर सकते हैं, वो दो ऑप्शंस मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। यहाँ पर फर्स्ट चेयर था, हम लोगों ने चेयर रिमूव करके वहां साइड में रख दिए, अब हम करेंगे साइड्स लेग रेस। ओके इस तरह करना है, इस तरह अगर से चाहे तो वेट और ज्यादा लगा सकते, मेरे लिए ठीक है, मैं इतना ही वेट से करूंगी। ओके फिर इस तरह बेल्ट रिमूव करना है, फिर इस साइड लगा लेना है अपने को, फिर इस तरह इधर का साइड लेग प्रेस करना है। ओके अब हमें करना है किक बैक, सॉरी ओके इस तरह किक बैक करना है हमें, दिख रहा है ना आप लोगों को कितने सारे ऑप्शन है ये मिशनरीज में, अपना टोटली बॉडी वर्कआउट आसानी से हो जा रहा है। फिर इधर से रिमूव करना है, फिर इस तरह लगा लेना है, फिर चाहे तो अपन इस तरह फोल्ड भी कर सकते हैं, इस तरह करना है। ओके 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 गाइस ये था मेरा मिशनरी सी का वर्कआउट, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स।